गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, स्टार्टिंग से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट रीड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्या थे बेसिक कंसेप्ट? इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और डिसजॉइंट है सबसेट आपके, डिसजॉइंट सेट आपके, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये सब आप क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके हो। अगर ये आपने अच्छे से रीड किए हैं तो आपका ये जो चैप्टर है, ये दो एक्सरसाइज है, वो आपके इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ये नहीं समझ पाए हो अभी तक तो आपको आगे डिफ़िकल्टी ही होगी। इसे सबसे पहले आपको इनको रीड करना है, बार बार वीडियो देख लो। ठीक है, वीडियो देखने से कुछ तो आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सेट ए ए बी सी डी, सेट बी बी सी डी ई। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, ए यूनियन बी। देखो यूनियन में आपको क्या करना होता है, दोनों का कम्बिनेशन करना होता है, दोनों को एलिमेंट डालने होते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट डालोगे, लेकिन रिपीट किसी को नहीं करोगे। जो आपका दोनों में है उसको आप एक ही बार लिखोगे, और जो डिफरेंट है उसको एज इट इज़ लिख दोगे। देखो ए बी, बी देखो कॉमन है लेकिन एक ही बार लिखना है, सी आपने एक ही टाइम लिखना है, डी वन टाइम लिखना है, और ई इसमें नहीं है इसमें, लेकिन आपको इसमें राइट करना है। तो ये क्या है, दोनों का कम्बिनेशन है आपका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, आपको उसमें कॉमन एलिमेंट लगाने हैं, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो कॉमन एलिमेंट अपने क्या है, बी सी और डी, ये आपके थ्री कॉमन एलिमेंट है। आपको ये सर्कल नहीं लगाने इसमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कॉमन एलिमेंट ही इसमें आपने राइट करने हैं, आपको डायरेक्ट ही लिखना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपके तीन सेट हैं, तीन सेट में आपको ये जो कंडीशन दिया है वो बतानी है कि ये इनके आंसर आपको देने हैं, तीन ये आपके पार्ट दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। एक सेट क्या है, 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 3 4, ये आपके थ्री सेट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी, आपको अभी बताया था यूनियन है तो आप हर एक एलिमेंट लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 3 4 कॉमन है तो उसको वन ही टाइम लिखोगे, तो क्या आएगा 3 4 5 6, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, लेकिन वन टाइम ही लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आपका है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है सिर्फ 3 4, तो आप इंटरसेक्शन में क्या लिखोगे, 3 4। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, 3 4, यहाँ पे भी क्या है 3 4, तो ये आपके क्या है, कॉमन है, 3 4 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है, 3 4, तो ये आप भी आप क्या आ जाएंगे, 3 4। यहाँ पे ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी मैंने आपको उस दिन बताया था, ए के एलिमेंट लिख लो माइनस बी के एलिमेंट, जो कॉमन है उनको कट कर। ठीक है, जो ए में बचेंगे वो आपको लिखने हैं, समझ में आ गया ना, जो आपके ए में लेफ्ट एलिमेंट होंगे वही आपको लिखने हैं। देख लो ध्यान से, यहाँ पे आपने ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस क्या होगा, जो यहाँ पे कॉमन है कॉमन को माइनस कर दो, इसके तो आपने लिखने ही नहीं है, सिर्फ ए के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। तो ये आपका क्या है, ए माइनस बी सेट। उसके बाद आता है बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी आपका ये है, सी आपका ये है, तो 3 4 आप इसमें से कट कर दो, तो क्या बचेंगे, 5 6, तो 5 6 लिखोगे, यानी कि आपके जो यहाँ पे जो सेट होगा उसी के आपको एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे, सी माइनस ए, सी माइनस ए। देखो सी के दो ही एलिमेंट कॉमन है, सी के ये दो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सी में एक भी एलिमेंट नहीं बचता, तो इसका मतलब क्या है, 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब इसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड में आपको सेट दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है उसने, क्योंकि आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कर नहीं पाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। तो ए इज इक्वल टू एक्स, क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर होंगे इसके एलिमेंट 3, एक्स जो है 3 से ग्रेटर और इक्वल होगा
बट लेस देन होगा किससे, सेवन से, मतलब थ्री से लेके, थ्री से स्टार्ट करोगे और सेवन से लेस मतलब सिक्स तक के एलिमेंट लिखोगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तीन आगे फोर एलिमेंट आ गए। तो बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आई, आई मतलब क्या होता है इंटीजर, तो माइनस वन से क्या होगा ग्रेटर है एक्स, लेकिन फाइव से क्या है लेस देन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप इनको भी इंक्लूड करोगे, तो माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये इसके एलिमेंट होंगे। सी में क्या है, एक्स बिलोंग टू डब्लू, डब्लू मतलब होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से, कहाँ तक है फोर से लेस देन, तो जीरो वन टू थ्री, तो ये आपके या एलिमेंट आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करना है कंबाइन करना है, कंबाइन करना है सारे एलिमेंट को, यहाँ से लेके माइनस वन से लेके आपको सिक्स तक के सारे एलिमेंट लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये आपके सॉरी यूनियन या इंटरसेक्शन है, तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या है ये वाले सारे कॉमन एलिमेंट आपके किस में आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में लिखोगे, यहाँ पे आ जाएंगे जीरो वन टू थ्री। अब देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए के जो कॉमन एलिमेंट है, देखो मैंने यहाँ पे सेट लिखा, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो उसको, और फिर कॉमन एलिमेंट आप देखोगे, कॉमन एलिमेंट क्या है सॉरी भैया, इंटरसेक्शन गिवन है आपको। ठीक है, क्या है इंटरसेक्शन गिवन है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन गिवन है इसमें, इंटरसेक्शन में आप क्या लिखना है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है आपका थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें सिर्फ आपका थ्री ही कॉमन एलिमेंट है और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थ्री कॉमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा थ्री कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन है यूनियन नहीं है, अगर इंटरसेक्शन है तो आप ऐसे लिख के इसको ऐसे भी कर सकते हो, यूनियन में भी आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं आए तो पहले सबसे पहले इनके यहाँ पे सेट लिखो फिर उनको कंबाइन कर दो, यहाँ आपका इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। इसके बाद है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के जो एलिमेंट है वो आपके किस में सी से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है आपका सिर्फ, कॉमन क्या है ए माइनस बी में, ए माइनस बी में ये सारे आप कट कर दो, ये तो आपकी है ही नहीं, तो फोर फाइव, थ्री फोर फाइव कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा सिक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, बी माइनस सी, बी में क्या है ये सारे एलिमेंट है, सी के ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट देखो जो कॉमन है वो सारे कट कर दो, बचेगा क्या माइनस वन फोर फाइव। ठीक है, ये आपका क्या है तीन, थर्ड क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी के आपको ट्राई आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।